हे गाइस तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्योंकि गाइस आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। क्योंकि गाइस रियल पैलवर्ड मोबाइल हम सभी को मिल चुका है, जो कि आपको बिल्कुल पीसी लेवल का मिलने वाला है। बिल्कुल से जैसा पीसी में गेम देख रहे होंगे, उसी लेवल का गेम आप सभी को अभी मोबाइल में भी आ चुका है। तो गाइस ये टोटल गेम कैसा रहने वाला है, उसके बाद में इस गेम को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कैसे प्ले कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपन अपना नाम डाल सकते हैं, उसके बाद में हेयर स्टाइल वगैरह तो यही से चेंज कर सकते हो मैं, ठीक है। हेयर स्टाइल काफ़ी फालतू है, ओके ये काफ़ी मस्त है, ये कूल है, ओके ठीक है। उसके बाद में कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा अपने बॉडी का कलर अपने को करना है ना, वैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये रखूँगा, ठीक है। हेयर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हेयर का तो सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। वैसे इतना भी बढ़िया नहीं है, थोड़ा ब्लैक भी होता है। एक्सपर्ट मोड भी, ठीक है, इसके अंदर अपन कलर की मतलब अपनी खुद की हाइट भी कम कर सकते हैं और कलर भी अपने मर्जी से जैसा कस्टमाइज करें ना उस तरह का कर सकते हैं। बट ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया, ठीक है। ये तो इंसान का बच्चा लग ही नहीं रहा है, किसी और का लग रहा है, ठीक है। इसको सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा एक मिनट ना, ओके ठीक है। इजी मोड में इजी, ठीक है। वो एक्सपर्ट मोड में ना वहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब बन रहा था, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी सारे हेयर स्टाइल है, ओके काफ़ी मस्त मस्त तैयार हो गए, ठीक है। ये मस्त है, ये भी मस्त है, ये सबसे बढ़िया लग रही है मेरे को, ठीक है। ओके ठीक है, ब्लैक कलर में भी सही लग रही है, ठीक है। रेड कलर, पिंक कलर, ओके ठीक है। ब्लैक में तो ज़्यादा सही लग रही थी, बट ठीक है। हेयर स्टाइल अपन स्काई ब्लू में रखेंगे, जो काफ़ी मस्त लग रही है, जो आइज के कलर से भी मैच हो रही है। उसके बाद में कुछ टैटू जो फेस पे अपन बनवा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जंगली टाइप हो गया, ठीक है। छोटा सा चाहिए था, जो ये मेरे को सही लग रहा है, जो साइड से हल्का सा कट है, ओके। उसके बाद में हमें कुछ ना गाइज आउटफिट मिल जाते हैं, उसके बाद में बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करके क्या करेंगे, ठीक है, वैसे अपने मर्जी से कर सकते हो। तीन आउटफिट है, जो तीनों भी काफ़ी मस्त है, ठीक है। बट ये जो लास्ट वाला है ना, ये मेरे को ज़्यादा खुला खुला और थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। लास्ट वाला रहने देते और ऑरेंज कलर करते थे, वैसे नाम तो मैंने रखा था, फिर से रखने का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अभी गाइस अपन इसका नाम क्या रखेंगे, अपने चैनल पे, ठीक है। फटाक से अपने चैनल का नाम डलवा देते, ओके सारा काम हो चुका मुझे लगता है। अभी गाइस अपन गेम के अंदर एंटर करने वाले लगता है, ठीक है, ओके गाइस। तो गेम ना काफ़ी ज़्यादा कूल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है। तो देखते गाइस सच में गेम मस्त है या फिर फालतू ना निकल जाए, ठीक है, ओके गाइस। तो गेम अभी अपना लगभग ओपन हो गया, ठीक है, ओके। वैसे ना गेम ना काफ़ी ज़्यादा मस्त हो सकता है, क्योंकि इस गेम में ना काफ़ी सारी चीज़ें, ओके। तो गेम अगर ऐसा हुआ ना भैया, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखते अभी गेम के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, लोडिंग में इतना क्यों टाइम लग रहा है पता नहीं, ठीक है। वैसे मैप लोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। ऊपर से कुछ तो आ रहा है, ठीक है, ओके। ऊपर से कुछ आ गया, ओके। इसके अंदर अपन है, ठीक है, एक बॉल के अंदर अपन थे, ओके। तो इसके अंदर अपन आ चुके, ओके। पहले एक पहल घूम रहा है, जो लेवल 2 का पहल है, उससे अभी मुझे पहल वहल से कोई पंगे वंगे नहीं लेने। अभी अभी मुझे जो नॉर्मल काम होते हैं, बेसिक काम, वो मैं करूँगा। बट मैप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा बड़ा, जितना बड़ा पैलवर्ड का मैप है ना, उतना ही बड़ा इस गेम का मैप है। और इसके मैप के अंदर ना आपको सारे पैल मिल जाएंगे, जो आपको रियल पैलवर्ड के अंदर देखने मिलते हैं, बहुत सारे पैल भर भर के पैल इस गेम के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में काम क्या होता है, हमें ना कुछ मतलब उड कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद में अपने को स्टोन कलेक्ट करना पड़ता है, जो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे देखो मुझे इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हैं कि पहले कुछ फाइव उड कलेक्ट करो और फाइव अपने को ना स्टोन के पीस भी कलेक्ट करने, जो कि मुक्के से नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे कर ये गेम ऑनलाइन है और इसमें ना दूसरे प्लेयर भी, सर्वर के प्लेयर भी यहाँ पे खेलते रहते, जो आपको गेम के अंदर देखने मिल जाते। वैसे ये कौन बंदे, ठीक है, वो बंदे होते नहीं पैलवर्ड के अंदर, शायद ये वही बंदे जिनके पास में घर भी, ओके बड़ा सा घर भी, ठीक है। अपने पास में अभी कुछ भी नहीं, ओके यहाँ पर स्टोन पड़ा है, बट मैं इसको मुक्के से नहीं तोड़ पाऊंगा, ठीक है, मुक्के से नहीं तोड़ पाऊंगा। स्टोन को तोड़ने के लिए पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी मुझे उड़ चाहिए होगा, ठीक है। उड़ वैसे ना रास्ते में पड़ा भी मिल जाता है, तो उड़ में जो कलेक्ट करना पड़ेगा फटाफट, उसके बाद में देखना पड़ेगा। वैसे कर यहाँ पे एक पेड़ है, तो क्या मैं मुक्के से इसे तोड़ सकता हूँ, मुक्का ट्राई करते मार के, नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको मार के कोई फायदा नहीं, इसके लिए मुझे एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे एक्स लेके आनी पड़ेगी और पिकेक्स लेके आनी पड़ेगी, उसी के बाद में ये सब चीज़ें ना मैं कलेक्ट कर पाऊँगा। देखो बैकपैक पूरी खाली है, कुछ भी उसके अंदर कलेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मुझे एक्स ही लेके आनी पड़ेगी। तो क्या इस गेम के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाती, जो आपको रियल पैलवर्ल्ड के अंदर देखने मिलती। इस तरह का गेम ना अभी तक कोई भी गेम नहीं करती इस लेवल का। वैसे एमेकिन सर्वाइवल है, बट वो 3D गेम नहीं है, उस वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। वैसे उस गेम के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, उसकी सीरीज भी अपन ने बना के रखी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ना इसका बहुत ही बड़ा मैप दिखाता हूँ, आप देख सकते हो गेम कितना बड़ा। यहाँ पे मैप देख रहे हो ना, कितना ज़्यादा बड़ा मैप पे देखो, यहाँ पे कुछ एरिया ना अभी खाली है, जो अपडेट के बाद में ना वहाँ पे भी कुछ एरिया आ जाएगा, जो अपना स्नो एरिया है ना वो खाली, वहाँ पर भी कुछ अपडेट के बाद में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, बढ़ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो डेजर्ट का एरिया है,
जो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और यहाँ पे हमारा जंगल का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यानी कि मैप देख के आप समझ सकते हो कि गेम कौन से लेवल का है। ओके गए, तो सामने कुछ और लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक पैल भी जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ठीक है, उसको अपन कोई पंगे नहीं लेंगे। पैल से मैंने बोला था स्टार्टिंग में कोई पंगे नहीं लूँगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगता है मुझ पर अटैक कर देंगे अगर मैं इनके बेस के अंदर जाता हूँ। तो अब इधर दौड़ते आ रहे, ठीक है, इनसे पंगा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे उड़ पड़ा है, रूट कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है भैया, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे तुम लोगों से कोई पंगा नहीं लेना, मैं अपना चुपचाप से निकल रहा हूँ। अभी कैसे इस गेम में ना अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इस गेम की ना ग्राफिक अभी इतनी भी बढ़िया नहीं, क्योंकि गेम अभी अभी रिलीज़ हुआ है तो ग्राफिक थोड़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं, बट धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। उसके बाद में इस गेम के अंदर बहुत सारे ग्लीचेस और बग्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर उड़ कलेक्ट करने जा रहा हूँ ना, तो फटाफट कलेक्ट नहीं हो पा रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो काफ़ी स्लो हो रहा है। यानी कि ग्लीचेस और बग्स ना गेम के अंदर बहुत सारे भर भर के गए, क्योंकि अभी गेम नया नया रिलीज हुआ है ना, और गेम के अंदर इतनी सारी चीज़ें, उस वजह से ना गेम को कस्टमाइजेशन इतना बेटर नहीं गया अभी। बट अब धीरे धीरे अपडेट आएंगे ना, तो सारे बग्स भी फिक्स हो जाएंगे और गेम की ग्राफिक भी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और गेम के अंदर बहुत सारी न्यू चीज़ें भी ऐड हो जाएगी धीरे धीरे। तो वैसे अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा स्टोन भी मिल गया, बट मैं मुक्के से स्टोन नहीं तोड़ सकता हूँ। उसके लिए अपने को पिकेक्स बनानी है और एक एक्स बनानी है, उसके बाद में गए मैं पैल्स पेयर भी बनाऊंगा। और इस गेम की सीरीज़ बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर बनानी चाहिए तो बोल दो, अगर नहीं बनानी तो वो भी बता देना, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस गेम इतना ज़्यादा बड़ा है ना, तो अपन बना सकते हैं सीरीज़ इस गेम की। और अगर उसमें सीरीज़ में ना, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे दिखा दूंगा। अभी मैं आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने सीरीज़ में ना अपन सारी काम तो कर ही लेंगे, ठीक है, जैसे अमेरिकन सर्वाइवल गेम के अंदर कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी जितना वुड और स्टोन मुझे चाहिए था उतना मेरे पास में कलेक्ट हो चुका है। तो गाइस अभी मैं अपने लिए क्या बना सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो मुझे एक एग्स बनाने के लिए बोल रहे, ठीक है, जो गेम में अपने को स्टार्टिंग में बताते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्स बना लेता हूँ। उसके बाद में मुझे क्या है, टेबल बनाना था, बट टेबल स्टार्टिंग में बनाने को नहीं बोल रहे, वो डायरेक्ट एग्स ही बनाने को बोल रहे, ठीक है। एग्स बना लेते, उसके बाद मैं क्या पिकैक्स भी बना लूँ क्या, क्योंकि स्टोन अगर तोड़ना है तो पिकैक्स बनाना पड़ेगा। वैसे स्टोन में सर ढूंढता हूँ ना गाइस घूम घूम के, तो ज़्यादा मिलता नहीं, मतलब नीचे पड़ा होता है ना वो ज़्यादा मिलता नहीं। अगर मैं खुद से तोड़ लूँगा ना, तो मतलब इजीली अपने बहुत सारा स्टोन ना इजीली कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पिकैक्स और एक्स मैंने दोनों बना लिए। उसके बाद में गए टेबल, और उसके बाद में पैल स्पेयर होता है ना गाइस, वो भी अपन बना सकते हैं, बट उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट से जाता हूँ अपनी पिकैक्स लेके और बहुत सारा स्टोन ना कलेक्ट करके लेके आता हूँ, ठीक है। वैसे मैं इनको ना अपनी इन्वेंटरी में ऐड करना पड़ता है पहले, अगर मुझे जो भी चीज़ यूज़ करनी है ना, तो सामने जो अपनी इन्वेंटरी होती है ना उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं आ रही हाथ में यार, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं आती, ठीक है। इसको हाथ में कैसे लूँ मैं, ठीक है, इस पर मैं टच भी कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक मिनट या, ठीक है, मुक्के क्यों मार रहा है भैया, पिकैक्स से मार ले, ओके फाइनली ऐसा था क्या, ठीक है। अभी गाइस मैं इसको पिकैक्स से तोड़ सकता हूँ और आराम से यहाँ पे बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर सकता हूँ, बट स्टोन आ क्यों नहीं रहे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुक्के तो मैंने दिए इसको, मुक्के मतलब पिकैक्स से धो डाला है, बट अभी तक कोई स्टोन मिला नहीं मेरे को, ठीक है। ओके ठीक है, अभी अभी मिला, ठीक है। थोड़े ग्लीचेस है गाइस, मतलब स्लो स्लो काम करता है ना, कभी कभी थोड़ा अटक भी जाता है, इस वजह से थोड़े ग्लीचेस देखने मिलते हैं। बट गाइस यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा स्टोन मिल गया है, और अभी मेरे पास पिकैक्स है, तो मैं ट्रीज तोड़ के ना ईजिली बहुत सारा वुड भी कलेक्ट कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस गेम के अंदर अपन, मतलब जो भी पैल वर्क के अंदर कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें इस गेम के अंदर कर सकते हैं। तो गाइस अभी इस गेम को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो गाइस इस गेम का नाम है ब्लॉक फन। तो गाइस आप अगर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा, या फिर नहीं भी मिल सकता, क्योंकि अभी नया गेम है ना तो सर्च नहीं होता है। तो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस गेम की, तो वहाँ पे ना आप डायरेक्ट टच करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है ना, डिस्क्रिप्शन से ना ये यूट्यूब वाले लिंक हटा देते हैं, तो अगर लिंक वगैरह हट जाती है या फिर वर्क नहीं करती है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके ना मैसेज कर सकते हो। आपको बस ना पहले वाला लिंक लिख देना, तो मैं इस गेम की लिंक वहाँ पर भी आपको दे दूंगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल के रखूँगा, बट वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाके मिल सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते गए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।